globalized phenomenon. This is first for yourself, then for others. When a person is hating others, first he is hating himself. When a person is criticizing other, he is criticizing him. ये बात कुछ अलग है. जो भी आपको लग रहा है दूसरे आपके साथ कर रहे हैं या आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, बेसिकली पहले आपका ऑर्गेनिज्म खुद के साथ कर रहा है. क्यों कर रहा है? ये खुद को हेट कर रहा है, खुद के लव में नहीं है. राइट? तो कुछ इसके साथ आपको आगे और अवेयरनेस मिलेगी. लेट अस सी हाउ वी आर गेटिंग अफेक्टिंग, हाउ वी आर अफेक्टिंग अवर सेल्फ. नेक्स्ट. ह्यूमन इमोशन हैड अफेक्ट ऑन डीएनए. Experiment done by Hart Math Institute in 1992-95 explained the effect of human emotion on DNA. This experiment shown that different intentions produce different effects upon DNA, causing either to wind or unwind the hillocks. With stress emotions, it used to wind, and with joyful emotions, it unwinds it to itself. विंड मीन टाइट, अनविंड मीन खोलना. विंड मीन टाइट, प्रोटीन सिंथेसिस गॉट सप्रेस्ड. अनविंड मीन प्रोटीन सिंथेसिस गॉट. तो व्हेन वी आर लिविंग इन अ डिफेंसिव पोस्चर, देन अवर डीएनए विल बी इन टाइट स्टेट. व्हेन वी आर इन अ क्रिएटिव मूड, प्रोटीन तभी क्रिएट होंगे, अनविंड. राइट? नेक्स्ट. एक एग्जांपल वो, अब दूसरी. हर्ट इन लव एंड हेट. हम लव एंड हेट के फिनोमेना के ऊपर हैं. हम प्यार और खुद से नफरत के फिनोमेना को समझ रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन, हर्ट रेट इन फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव इमोशन. दिस इज द स्टेट ऑफ ईसीजी, नॉट ईसीजी, सम अदर स्केल. एंड व्हेन वी आर इन एप्रिसिएशन, दिस इज द रिदमिक स्केल ऑफ हर्ट. राइट? Heart in love and heart in hate. When we are in love with ourselves or others, this is the scale. And when we are not, that is the scale. Next. This is state of EEG. पुराने बच्चों ने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा. We have four type of waves. Delta is dreamless sleep, human growth hormone released, नींद की part है, नींद का. गहरी sleep, NREM sleep. Deep trance like non-physical state, loss of body awareness, access to the unconscious and collective conscious mind. ये part है delta का, that is residing in your subconscious mind. Then theta, dreaming sleep, REM. जब आपकी नींद कच्ची होगी तो यहाँ पे हम, ये बचपन है, ये हमारा थोड़ा सा 6-7 साल की उम्र है, और ये जवानी चढ़ती हुई, और ये जवानी का पूरा तप कह सकते हैं हम. Dreaming sleep, REM, increase production of catecholamines, means stress hormones. जो यहाँ से निकले हम stress में गए, increase creativity. Integrated emotional experience, potential changes in behavior, increased retention of the learned material, hypnagogic, imaginary trance, deep meditation, access to the unconscious mind, and alpha, relaxation, super learning, relaxed focus, light trance, increased serotonin production, pre-sleep, pre-waking, drowsiness, meditation, beginning of access to the unconscious mind, and this is last, concentration, arousal, alertness, cognition normal, higher level, associated with an anxiety, disease, feeling of separation, flight and fight and flight. मैं यहाँ पर लेके आना चाहता था कि जब हमारा जीवन, ज़्यादा जीवन defensive है, we are in a beta mood, और जब हम creative हैं, we are in a this mood. तो हमारा जो डिफेंसिव लाइफ है वो ज़्यादा है, और ये मूड ज़्यादा होने. आई हैव सीन दीज ग्राफ्स ऑफ स्पेशली ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस,
and those graphs were so much marked by beta activity, zig zag zig zag zig zag zig zag. ऐसे मान लो इतनी बम्बार्डमेंट है कॉर्टेक्स में कि समझ में नहीं आता उसको कि क्या करना है. कॉर्टेक्स इज नॉट फंक्शनिंग वेल, देयर लोअर ब्रेन इज फंक्शनिंग ओनली. सो ये है हमारी डिप्रेसिव एंग्जाइटी और डिजीज स्टेट, और उसमें ये एक्टिविटी चालू रहेगी. हम सब की ये एक्टिविटी ही चालू रहती है, और इस एक्टिविटी से अगर नॉर्मल है तो यहां तक जाना सबकॉन्शियस को ऑपरेट करने के तुले. नेक्स्ट, ब्रेन वेव्स. मोस्ट ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इज स्टिमुलेटिंग अवर बीटा वेव्स इन मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम. इट इज कॉन्स्टेंट सिंपेथेटिक एक्टिविटी विद कैरियंग स्ट्रेस हार्मोन्स एंड कंप्रोमाइजिंग अवर सिस्टम फॉर रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे हमने सुबह लिया, स्ट्रेस हार्मोन मीन्स मस्कुलर एक्टिविटी, एंड उतना ही ब्रेन छोटा, जितना हम स्ट्रेस में उतना ब्रेन कम फंक्शनिंग. नेक्स्ट, इसलिए बच्चे माइक्रोस्फेलिक होते. जो सीपी में बच्चे इसलिए माइक्रोस्फेलिक हैं, प्लीज, डिफेंस में है, ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं गया. सर्वाइवल इमोशंस, हम पढ़ रहे हैं दो बातें, लव एंड हेट फिनोमेना. लव एंड हेट में पहले हमने ब्रेन का लिया, सॉरी हर्ट का लिया, ब्रेन का लिया, अब हम नॉर्मल लेवल पे. बहुत बढ़िया ये अंडरस्टैंडिंग. मोर लव, जैसे हमने सुबह स्केल लिया इमोशंस का, मोर लव, लव, एंगर, गिल्ट, शेम, फियर, डाउट, लस्ट एंड कंपटीशन, हमारी जिंदगी इधर है. और ये वेवलेंथ ज़्यादा है, ये वेवलेंथ कम है. लव इमोशंस, लव एनर्जीज मूविंग ऑन अ हाई रैंडम स्टेट, बहुत फास्ट है. लव इमोशन इज मोर डायनामिक एलिवेटेड इमोशन, एंड सर्वाइवल इमोशन इज मोर मैटर. दिस इज मोर कार्बोवेज यू कैन से, मोर मैटर कल्केरिया यू कैन से. दिस इज मोर डायनामिक हाईली एवोल्यूटेड स्टेट्स, हायर इमोशंस. सो हमारा जो जर्नी है वो इधर की ओर ऐसे आया, और हमें इसको ऐसे लेना. जितना हम मैटर में है, जितना हम मैटर में है, उतना हमारा रूब्रिक जो है वो मोर स्ट्रांग एंड डिल्यूसिव होना चाहिए, जैसे हमने लिया. और जितना हम डायनामिक में है, उतना आपका एलिमेंट से भी चलेगा और ट्रेड से भी चलेगा. सोरे में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर है, ये सर ने इस बार बहुत अच्छे से बताया कि जितना डायनामिक है उतना आपका नॉर्मल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल चलेगा. जितना स्ट्रक्चरल है, जितना ये लोअर पार्ट है, सर्वाइवल पार्ट है, मोर स्ट्रक्चरल पार्ट है, उतना आपको पहले मैं बता चुका हूँ, मोर डीपर पेनिट्रेशन चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू डेल्यूजन्स. नेक्स्ट, एलिवेटेड वर्सेस सर्वाइवल इज अ डायनामिक वर्सेस मैटर. एज वी रिमेन मोर इन सर्वाइवल मूड इन लाइफ, वी आर लॉस डायनामिक, वी आर लेस डायनामिक एंड मोर मैटर. यू कैन से फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल, आवर साइंस इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक लाइफ फ्रॉम दैट डायनामिक टू सर्वाइवल मूड, दिस सोरा टू डेवलप्ड सोरा. सो लाइकवाइज वी हैव टू अप्लाई अवर टूल, मोर डायनामिक सिम्टम फॉर डायनामिक डिजीजेस, मोर डीपर सिम्टम फॉर स्ट्रक्चरल डिजीजेस. हाउ अवर बिहेवियर बिकम predetermined, perceived something wrong and made us ill. ये यहाँ तक हम आ गए, wrong perception तक. अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ रहे हैं, कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये delusion, कैसे हुआ ये, ऐसे क्यों लगा कि मेरे को प्यार नहीं करते, ऐसे क्यों लगा कि मैं अकेला हूँ, ऐसा क्यों हुआ. Like how delusion perception set in, like from forsaken feeling to delusion forsaken, it's a journey. A insulted feeling to delusion insulted, a sensitive to criticism to delusion criticized, worthless to delusion worthless, loved feeling to delusion appreciated is not, fear poverty to delusion poor is. Sensitivity एक normal है, एक delusive है. एक sensitivity है कि प्यार नहीं करते, एक जहां पे करते हैं वहां पे भी लगता है नहीं करते, ठीक. एक नॉर्मल सेंसिटिविटी है, एक मोर हाइटेंड सेंसिटिविटी है, एक मोर डायनामिक है, एक मोर स्ट्रक्चर में चेंज रख करने की बहुत ज्यादा ऐसी अवस्था हो गई कि है भी नहीं तो भी लग रहा है.
बात समझ में आई, है भी नहीं तो भी लग रहा है। सो ऐसा कुछ ये जर्नी है 4 सेकंड से डेल्यूजन 4 सेकंड की ओर। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाइटेंड सेंसिटिविटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म और लाइफ। जितना जितना मैंने सुबह आपने एग्जांपल लिया, आर्म को सेंसिटिविटी थी ऑनर से और उसने हड्डियां मजबूत की, लेकिन कैरिस बोन भी उसी को हुआ, ठीक। कैरिस बोन में 4 मार्क आर्म, सेंसिटिविटी तो वही रही। सेंसिटिविटी पहले क्या थी, इंसल्ट की, जैसे ले लेंगे ऐसे ले लीजिए ऑनर की, अब क्या हो गई, अनवर्दी हो गया, वर्थलेस हो गया। तो इसमें एक स्केल जैसे बनती है, जैसे मैं इसको परसीव करता हूं, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, आगे आप ले लीजिए इंसल्टेड फीलिंग, आगे आप ले लीजिए ह्यूमिलेशन फीलिंग, ये मैं ग्रेड कर रहा हूं इसको, आगे आप ले लीजिए वर्थलेस फीलिंग, ऑनर भी आ जाएगा आगे। एक एग्जांपल है, एलमेंट फ्रॉम ऑनर वुंडेड, ऑनर को चोट लगी, ठीक। और एक है ह्यूमिलेशन ऑन अनवर्दी फीलिंग, कौन सा गहरा, अब समझ में आई कौन कैसे उठाने। ऑनर वुंडेड मीन ऑनर को ठेस लगी लेकिन खत्म नहीं हुआ, राइट। वर्थलेस में तो कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा तो कैसी पैथोलॉजी होनी चाहिए, जो जिसने ढा दिया पूरा सिस्टम को, अब कुछ बचा हुआ है तो आप ऑनर उठा सकते हैं। जब ढा दिया है तो डिल्यूजन वर्थलेस, सेम आर्म, जब अभी ढा नहीं है, अभी बोन्स में जान है, यू कैन टुक ऑनर वुंडेड, राइट, जहां सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ऐसे हम इसको फाड़ेंगे कि क्या कहां पे क्या लेना। हाउ आवर सिस्टम रीच टू सच अ स्टेट, सच बिहेवियर इज रूल्ड बाय अवर सबकॉन्शियस माइंड दैट इज रूलिंग अस 80 to 85%। हमने बात कर लिया इसके लिए, आगे सबकॉन्शियस माइंड इज एन इमोशनलेस डाटाबेस, यहां पे आप ऑर्गन को कंपेयर करना, ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स whose function is strictly concerned with the reading environmental signals and engaged in hardwiring behavioral programs, जो उसको लगा, उसको स्टोर किया और उसी के अकॉर्डिंग हार्डवेयर कर रहा लगाता, सोचने की क्षमता नहीं। नो क्वेश्चन asked, नो जजमेंट मेड, इट इज सिमिलर टू प्रोग्रामेबल हार्ड ड्राइव इन विच अवर लाइफ एक्सपीरियंसेस आर डाउनलोडेड। डाउनलोडिंग का प्रोग्राम है सबकॉन्शियस सिर्फ, और वो जो डाउनलोडिंग है, ये लिटरेचर बता रहा है, ब्रूस लिप्टन भी बता रहे हैं कि दैट डाउनलोडिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन यूर टीन एज। ये जो बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा, 3 साल से ऊपर और 10 साल से पहले, ये पार्ट है जब उसकी डाउनलोडिंग चालू है। और हम कभी उठा लिया करते थे यहाँ पे रूब्रिक, अब्सॉर्ब्ड, थ्योराइजिंग, फैंसीज मेकिंग, दिस इज रॉन्ग, बेसिकली दिस इज आर नेचर्स फिनोमेना टू डाउनलोड। वो देख रहा है क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, यहाँ से सबकॉन्शियस हमारा डाउनलोडिंग में गया। दीज प्रोग्राम्स आर इक्विवेलेंट टू अवर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर, ऐसे है जैसे कांटा लगा कोई किया, ऐसा बिहेवियर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने वाला, चोट लगेगी तो बचाने वाला। इट इज ऑटोमेटेड एंड प्ले बैक रिस्पॉन्स जस्ट वेट टू वेट अ स्टिमुलाई, बचाने वाला ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, बिलीफ कंट्रोल द बायोलॉजी, बिलीफ्स मीन्स सबकॉन्शियस प्रोग्राम्ड बिलीफ्स कंट्रोल द बायोलॉजी। अवर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आर इंडीड कंट्रोल्ड बाय द परसेप्शंस, आर our learned perceptions are our learned perceptions are right। क्या ये जो केस था डॉक्टर दविंदर का, इसकी जो परसेप्शन है ये राइट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग परसेप्शन। आर अवर लर्न, जो हमने सीखा, जो हमने डाउनलोड किया, क्या वो सही है, उसने तो बंदगी कर ली उसकी जो उसके अंदर पड़ा है, लेकिन उसको मालूम नहीं, इज नॉट वाइज, तो उसके अंदर वो पड़ा है,
लाइक ऑल स्नेक्स आर नॉट डेंजरस, हमारे पंजाब में हमने मार मार के सांप खत्म कर दिए कि सभी जहरीले, परसेप्शन इज सभी जहरीले, सभी मार दिए, जो जहरीले नहीं थे वो भी मर गए। स्टेट ऑफ परसेप्शन आर ग्रेटर प्रिडिक्टर्स ऑफ रिजल्ट देन एक्चुअल रियलिटी। कैसे, एक एग्जाम्पल फिर ले रहे हैं, जब हम जानवर थे, रेप्टेलियन ब्रेन काम कर रहा था, तो गौ जब भैंस घास चर रही थी, राइट, घास चर रही थी, पीछे से शेर आया, जैसे सुबह आया था, तो भागली, भागली, आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, है नहीं है, तो फिर घास खाने लगी, समझा। अब हम आ गए एवोल्यूट होके हाइब्रिड के साथ, हमारे पीछे शेर लगा एक बार, तो वो याद में बस गया, किस ब्रेन की, सबकॉन्शियस की, क्या कि शेर पीछे लगा था, कि कौन कौन बता रहा है, कॉन्शियस बार बार, शेर पीछे लगा था, फिर लग गया तो पूरी उम्र शेर पीछे लगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स। हमने अपने प्रोग्राम में हमने प्रोग्राम को खराब कर लिया, कॉन्शियस ने राइटली बताया नहीं, और उसने डाउनलोड कर लिया कि ऐसा ही हुआ था, फिर ना हो जाए, फिर ना हो जाए, फिर ना हो जाए, और ये ऐसा साइकिल चला जो डेल्यूजन में तब्दील हो गया। अब है नहीं तो भी लग रहा है नहीं तो भी लग रहा है, समझ में आई बात, आई कि नहीं, थक गए। नेक्स्ट, परसीव्ड डेंजर अफेक्ट द बॉडी इवन इफ डेंजर इज इमेजिनरी एंड नॉट रियलिटी। परसीव डेंजर, जो आत्मा में है डर, वो ज्यादा खतरनाक है जो हकीकत में नहीं है उससे, ठीक, क्लियर। बॉडी ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन रिस्पांस अकॉर्डिंग टू परसेप्शन। जैसे मैंने सुबह बताया, जहां तो ग्रोथ चलेगी, जहां प्रोटेक्शन चलेगा, चेंजेस इन द, ये हमारी इंडिविजुअलाइजेशन है कि किसको कितना लगा, कितना मिला, कैसा है वो, ये उसने, भगवान ने उसको ऐसे बनाया। चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन चेंज अवर जीन्स। इट इज नॉट एनवायरनमेंट बट अवर इंटरप्रिटेशंस, परसेप्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। इट इज अवर इंटरप्रिटेशन, हमारी अवेयरनेस ने, बैक्टीरिया की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस में फर्क है, भैंस की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस में फर्क है। हमारी अवेयरनेस में क्या डाला, अंदर ये डाल दिया, सबकॉन्शियस में ये डाल दिया, क्या कि अभी फिर शेर आने वाला है, ठीक, ये डाउनलोड करके डाल दिया। इट इज नॉट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट नहीं है वो, हमने परसीव किया, हमारे एंटीनाज हैं, हमने परसीव किया कि मेरा, मेरे को पॉइजनस फूड दे दे, हमने परसीव किया कि मेरे साथ ऐसा कर, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, अंदर आत्मा, सबकॉन्शियस। इट इज नॉट एनवायरनमेंट बट अवर इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, जस्ट हाउ सेंसिटिव वी आर टू द एनवायरमेंटल सिग्नल्स। हम कितने सेंसिटिव हैं एनवायरमेंट सिग्नल्स के, हमने इनपुट दिया, सबकॉन्शियस ने रिस्पॉन्ड किया, और हम डिफेंस में आगे चलने लगे, आगे उठे। परसेप्शन कैन ओवरराइड जीन्स, परसेप्शन, योर डेल्यूजन्स कैन चेंज योर जीन्स, सीधा आंसर इसका। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में यू हैव टू टेक डेल्यूजन्स ओनली, आपके सिंपल रूब्रिक काम नहीं करेंगे। रिसेंट डिस्कवरीज इन जेनेटिक्स कन्फर्म्ड एनवायरमेंटल सिग्नल कॉज जीन्स टू एक्सप्रेस एंड इवन म्यूटेट इन रिलेशनशिप टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। In 30-year study of environmental influence on the brain published under the Enriching Heredity, Marin Diamond, PhD at University of California, demonstrated measurable changes in the brain at any age in response external and internal changes in the environment. In just 4 days, his laboratory mice grew new brain structures. 4 dinon mein hi aisa kar diya. तो आपके स्ट्रक्चर को परसेप्शन ओवरराइड कर रही है, देखिए, तो जो सोचा वो आपको स्ट्रक्चर में चेंज लाने के काबिल है, इवन जेनेटिक चेंजेस लाने के काबिल है। नेक्स्ट, वी एक्सपीरियंस्ड नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड नॉट हैविंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन द इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड ट्रॉमेटिक इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। ये डाउनलोडिंग किया द रेजिड्यू ऑफ दोज बैड एक्सपीरियंसेस एंड मिस्ड गुड एक्सपीरियंसेस
टेक्स द फॉर्म ऑफ बिलीफ वी हैव अबाउट आवर सेल्फ. बिलीफ यहां से बना, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, जहां तो गुड मिला नहीं जहां बैड मिला, दोनों को डाउनलोड करके अंदर रख लिया. मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ, मेरे को ऐसे ऐसे बोला, सबके सामने जलील किया, जलालत भर गई उसी दिन से सबकॉन्शियस में, और डिल्यूजन इंसल्टेड या वर्थलेस में उसी दिन से गया. दीज बिलीफ्स आर लाइक यू कांट डू एनीथिंग राइट. तू कुछ नहीं कर सकता, बच्चे को बोल रहे हो. यू आर नॉट लवेबल, यू आर फूल कॉमन, यू आर फैट थिन अगली. दीज वर्ड मेक्स रोड्स इन सबकॉन्शियस माइंड व्हेन वी आर नॉट इन द स्टेट टू जज. कॉर्टेक्स नहीं था इतना इवॉल्व, डाउनलोड होके अंदर बैठ गया. वी गेट अवर फीलिंग ऑफ वर्थ अनवर्थी फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स. जिन लोगों ने ऐसे करके बोला वही हम सत्य मान बैठे, क्योंकि रीजन नहीं है ब्रेन में था. चिल्ड्रन टेक अथॉरिटी ऑफ दीज पीपल्स एंड बिलव्ड इट. दिस बिकम द बेसिक फीलिंग वी हैव अबाउट सेल्फ एंड अवर रिलेशनशिप अबाउट अदर्स. और हमने यही समझा, मैं तो ऐसा ही हूं, ये अंदर आ गया, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो अलोन ही हूं, मैं तो अगली हूं, मैं तो जो भी अच्छा तो आएगा नहीं क्योंकि अनवर्दीनेस में उधर जा रहे हैं, बुरा ही आया कि मैं तो ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, ये हमने क्रिएट कर लिया अंदर. नेक्स्ट, सो हेल्थ इज प्रेडिक्टिव अपॉन द नर्वस सिस्टम एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव एनवायरमेंटल सिग्नल्स एंड सेलेक्टिवली एंगेज इन लाइफ सस्टेन बिहेवियर्स. सो ये कंक्लूजन है पूरा. हेल्थ इज प्रेडिक्टेड अपॉन, हेल्दी है कि अनहेल्दी, डिजीज है कि ईज है, कि हमने हमारे नर्वस सिस्टम ने एनवायरमेंटल सिग्नल्स को कैसे लिया, डाटा ने क्या किया, और हमने उसको परसीव करके फील क्या किया, कैसे हम डिफेंड कर रहे हैं लाइफ को. और अच्छा क्लियर होगा अभी, बट मिसपरसेप्शन ऑफ एनवायरमेंट बाय माइंड एंड अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मेड अवर सर्वाइवल थ्रेटन्ड. पर इसने कुछ और समझा जो नहीं समझना था, इसने सबकॉन्शियस ने कुछ और लिया जो नहीं लेना था. लेट अस सी हाउ. एग्जांपल, एबीसी ऑफ माइंड बायोलॉजी, माइंड बायोलॉजी, दिस इज एनवायरमेंट, दिस इज अवर माइंड, यू कैन से ब्रेन, दिस इज सबकॉन्शियस, दिस इज परसेप्शन. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ पर्सन विद एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोजा, एनोरेक्सिया नर्वोजा, हाउ डिल्यूजन इज गेटिंग द शेप नाउ. कैसे हम सबकॉन्शियस को डाउनलोड करके और क्या करते हैं अपने साथ. लेट अस सी. इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन माइंड ने प्रोसेस किया, इंटरप्रिटेशन किया परसेप्शन का सबकॉन्शियस ने. चलो आगे, न्यूरोकेमिकल रिलीज कराया बॉडी पे, ऊपर गया, फील किया क्या क्या. चलो, स्टेट ऑफ एनोरेक्सिया, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स क्लियरली परसीव दैट इंडिविजुअल एज दैट skin and bone person is nearly to death out of not eating. ये खा नहीं रही, लड़कियां होती ज्यादा ना, ये खा नहीं रही, हड्डियां निकल गई, फ्लश गया, मर जाएगी. सभी कह रहे हैं, ठीक है, सब कह रहे हैं कि मर जाएगी. But anorexic sees himself in the mirror as a thick person. मैं तो ऐसी हूं, कैसी हूं, not thick, मैं तो अगली हूं. जितने भी मोटे हैं वो कभी पतले नहीं होते, जितने पतले कभी मोटे नहीं होते. इसीलिए क्योंकि हर रोज डिवेलुएट करते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, कैसा हूं, जो अंदर डाला हुआ हो, दिखता नहीं है, फिजिकल नहीं दिख रहा उसको, जो माइंड में है वो दिख रहा हो, जो सबकॉन्शियसली डाउनलोड है वो दिखता. ही हैड रॉन्गली परसीव्ड हिमसेल्फ, ही इज थिक पर्सन एंड अपोज्ड ए हैपनिंग, अपोजिट इज हैपनिंग. डिल्यूजन इज ऑलवेज डिफेंडिंग, उल्टा चल रहा है डिल्यूजन. जो स्मॉल है वो बढ़ा के बोल रहा है, डिल्यूजन स्मॉल इज डेवलपिंग टू डिल्यूजन ग्रेट. प्लैटिना पूरी खत्म हो जाती है, अंदर से कुछ नहीं है, बढ़ के दिखा रही है. डिल्यूजन स्मॉल एंड डिल्यूजन इन लार्ज एंड ग्रेट लगाना, यू विल फाइंड ओनली फ्यू रेमेडीज. चार या पांच बचेगी, प्लैटिना दोनों में रेड. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ फैट पर्सन,
perception of fat person is feeling weak or thin internally, body behave opposite to the defending weakness, thinness to be thick. अंदर से पतला, अंदर से लग रहा है मैं ऐसा हूं, पतला नहीं अंदर से, मैं फैट्स की बात बता रहा था, अंदर से जो लोग खुद को रिप्रोच करते हैं और अपने मोटापे को देख के हर रोज अपने आप को गालियां निकालते हैं वो कभी पतले नहीं होने वाले। तो अगेन द फिनोमेनन ऑफ लव एंड हेट, अपने आप को नफरत करके हम अपने ऑर्गन को फोर्टिफाई कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं और डिफेंस में बॉडी उल्टा ही कर रही है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ ग्रेट पर्सन प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ मैक्सिमम टाइम, रेसिप्रोकेशन ऑफ इनफेरिटी और लो कम्प्लेक्स। जितने भी बड़े बड़े जो दिखे चेहरे बन बन के बैठने वाले, इन लार्ज फिगर्स बहुत दिखाने वाले, सभी अंदर से खोखले स्मॉल हैं। तो क्या वरेट्रम ने क्या फील किया कि मैं वीक हूं, कम हूं, तो सोशल पोजिशन कंसर्न अबाउट वही लेके बैठेगी, एक दिन सोशल पोजिशन ही जाएगी, नीचे गिरेगा। जब तक ये डेल्यूसिव परसेप्शन करेक्ट नहीं होगी राइट रेमेडी से या खुद की नॉलेज से, इट हैज टू ब्रेक। नेक्स्ट, सो इन ऑल द परसेप्शंस बॉडी सिस्टम इज ट्राइंग टू डिफेंड द इंटरनल परसेप्शंस। हमने जो परसीव किया हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं, हमने जो डाउनलोड किया हम उसी को रेसिप्रोक कर रहे हैं, हमने जो डाउनलोड किया अच्छा या बुरा हम उसी के अकॉर्डिंग जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट, डिल्यूजन अलोन, दो नॉट अलोन बट फीलिंग अलोन, ट्राइंग टू मेंटेन रिलेशनशिप, अपोजिशन बता रहा हूँ साथ साथ में। फास्फोर्स का जो पूरा पर्सनैलिटी ट्रेट है, फास्फोर्स की जो एक पिक्चर है दैट इज वेरी नियर टू आर्सेनिक, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बहुत से फियर, फास्फोर्स ने उस अलोननेस को बेसिकली अंदर के फियर को कम करने के लिए, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सो मेनी फियर्स को कम करने के लिए क्या किया फास्फोर्स ने, हेल्ड डिजायर फॉर सिंपथी, डिजायर फॉर कंसोलेशन, डिजायर फॉर सो मच कंपनी कि कभी अकेला लगू ही ना, ऐसे दिस इज अडवन, कभी अकेला लगू ही ना, अरे क्यों इतने रिलेशन है, क्वेश्चन करिए उसको क्यों इतने रिलेशन है, यू फाइंड फियर समवेयर बिहाइंड। सो ऐसे ही जैसे ये मैं बता रहा हूँ, डिल्यूजन अलोन, डिल्यूजन अलोन, चॉकलेट इज देयर, पस्टिला इज देयर, हुरा इज देयर, पस्टिला चॉकलेट, दे ऑल आर कैरिंग वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत कम्युनिकेटिव है, बात करने वाले। लैकेस इज फियर ऑफ इंजर्ड, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डेथ, डिफेंडिंग इनटू डेल्यूजन इंजर्ड से, डिफेंडिंग इनटू डेल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमी से, परसिक्यूटेड से, परस्यूट से, लैकेस इज डिफेंडिंग इनटू एक्सट्रोवर्ट, अफेक्शनेट, मैग्नेटिज्म डिजायर फॉर, और तो और प्ले डिजायर फॉर, ऐसे खेलूं कि किसी का ध्यान ही नहीं जाए कि मेरे को अंदर से डर लगता है, ऐसे कुछ। तो ऐसे पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हो रही है अंदर की परसेप्शन से। डिल्यूजन इंसल्टेड, दो नॉट इंसल्टेड बट फीलिंग इंसल्टेड, फियरिंग टू फेस सच सिचुएशंस। अब इंसल्ट से भी डर लगता है, क्रिटिसिज्म से भी डर लगता है, ह्यूमिलेशन से भी डर लगता हो सकता है। डिल्यूजन स्मॉल, दो नॉट लेस देन अदर्स बट स्टिल फीलिंग, डिफेंडिंग टू शो हिज स्ट्रेंथ, अंदर से छोटा है डिफेंड कर रहा है बड़ा हूं। डिल्यूजन स्मॉल एंड वर्थलेस, व्हाट्स द डिफरेंस, स्मॉल मींस अदर्स आर दिस मच, आई एम दिस मच, वर्थलेस मींस नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैं रेपर्टरी को फाड़ के दे रहा हूं आपको साथ में, आप खुद भी मेहनत करना। डिल्यूजन एनिमी सराउंडेड बाय, दो देयर इज नो एनिमी, लैक्सिस एंड मकरी, दो नो एनिमीज बट स्टिल फियरिंग, कि आई एम सराउंडेड बाय एनिमीज, डरने वाले लैकेसिस। नेक्स्ट, व्हाट सो एवर वी फील इज वी आर फीलिंग फ्रॉम विद इन नॉट ड्यू टू अदर्स। ये मैंने पहले बताया कि जो भी आप फील कर रहे हैं ये जो डिल्यूजन है ये हमारा है, ये नफरत हमारी है, ये प्यार हमारा है, ये दुश्मनी हमारी है, मलिशियसनेस। अगर आप बाहर भी हैं, योर बॉडी इज ऑल्सो समवेयर डिसीविंग यू टू बी मलिशियस विद योर सेल्फ, नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आता नहीं छोड़ूंगा खुद। सो अदर्स हैज नो पावर ओवर यू, इफ वी फील लव टू आवर सेल्फ वी लव अदर्स
and other loves you. What you have inside, you are emitting outside. ये मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे, ये कैसे हो रहा है. What you are having inside, your law of attraction, and you are emitting outside, and you are again getting that same thing back. If we criticize ourselves, we criticize other, and other criticize you. अगर आप हर रोज 10 बंदों के नुक्स निकालते हैं ना, तो अपने अंदर झाती मारिए कि आप खुद के कितने निकाल रहे हैं. और एक बार आज चेक करना जाते जाते कि कितनी बार रोड को, गाड़ी को, लोगों को जाते जाते गालियां निकाली. आज नोट करना जरा, ये पूरे का पूरा क्रिटिसिज्म है. ये हम कहीं ना कहीं पे बाहर कर रहे हैं तो खुद को भी छोड़ नहीं रहे. माइंड इट, इफ वी फील हेट, वी हेट अवर सेल्फ देन अदर्स, अदर रेसिप्रोकेट यू. Every trait and character we see is operating from in to out, not out to in. In to out. Let us see how. Next. Think a thought, feel a thought, live a thought. Next. Higher brain, middle brain, lower brain. Conscious brain, emotional brain, subconscious brain. Thinking brain, emotional brain, body brain. Body means autonomous brain. Respiration, heart, all the controls, autonomous brain. Next. The heart is more powerful than the brain. The heart is about 1,00,000 times stronger electrically and up to 5,000 times stronger magnetically than brain. Next. ये हमने last year लिया था दिल्ली में ये दोनों slides. A physicist from NASA explained that inserting a single ion into such a vortex, circulation vortex, will create a powerful electromagnetic field. Actual muscular pumping of heart just contribute to the vortex force. ये जो propeller होती है, देखा आपने घूमता हुआ पानी, घूमता हुआ क्या बोलते, whirlpool, whirlpool की power से ही blood हमारी vessels में चल रहा है. Heart is just giving a one push. तो electromagnetic field ही आपकी पूरी body को fastly ब्लड मुहैया करवा रहा है, ऐसे समझो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ हार्ट कैन बी फेल्ट एट 12 टू 13 फीट फ्रॉम योर हार्ट. 12 से 13 फीट तक किसको मेजर किया जा सकता है. इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन टिश्यू, मींस ईईजी. यू कैन मेजर योर ईईजी फ्रॉम इतने फीट से भी हो सकती है. नेक्स्ट, परसीविंग फ्रॉम द सेम एनवायरमेंट. अब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, परसीव किया थॉट, एम्बेड किया थॉट, लिव किया थॉट, उस फीलिंग में गए. व्हाट वी हैड बिल्ड, हमने परसीव किया एनोरेक्सिया, परसीव किया एनोरेक्सिया. नेक्स्ट, मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम महात्मा गांधी. जो सोचा, रेड सोचा, ब्लू सोचा, वैसा ही कलर हो गया. आगे है, सो बाय कॉन्शियसली अंडरस्टैंडिंग अवर सबकॉन्शियस प्रोग्राम, वी कैन डायरेक्ट अवर जर्नी फ्रॉम लाइफ ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफेंसिव लाइफ टू हायर ब्रेन. एक स्लाइड पीछे लेना, पीछे पीछे पीछे. जो हमने सोचा वो हमने फील किया, वो हमने लोअर ब्रेन में डाला. लोअर ब्रेन ने उसी थॉट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए, ये जो हर्ट का बाहर मारा, कितना, 12 फीट को फिर हमने परसीव किया, फिर हमने एनालाइज किया. दिस इज द प्रोसेस गोइंग ऑन. व्हाट यू आर गिविंग, यू आर गेटिंग बैक. आपने प्यार दिया प्यार मिला, मल्टीप्लाइड. आपने नफरत दी, नफरत मिली, मल्टीप्लाइड. तो ये सर्कल ऐसे लगातार चल रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा. अंटिल और अनलेस वी मूव इनटू अवेयरनेस फ्रॉम दिस स्केल, दिस अंडरस्टैंडिंग, इस बुद्धि से हम इस डिफरेंस से निकलें और हायर ब्रेन की तरफ चलें. अभी डेढ़ हो गया लास्ट टाइम, विल कंटिन्यू दिस सेशन मोर.